हनी साहब, एक तो आपका शुक्रिया कि इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया है। सुहानी साहब, हमारा जो प्रैक्टिकल का निज़ाम है, इम्तहानात में जो प्रैक्टिकल लिए जाते हैं, इसमें भी एक माफिया छाया हुआ है। अच्छा, इसमें भी माफिया? इसमें भी माफिया है। आप इसको लें, प्रैक्टिकल नोटबुक्स की तैयारी से ले के प्रैक्टिकल के अंदर नंबर लगने तक, आपको जगह जगह पे माफिया दिखाई देगा। आपको पैसे की हवस दिखाई देगी, नंबरों की दौड़ दिखाई देगी। अब आप अगर देखें तो वालदैन, पहले जो वालदैन होते थे वो बच्चों को तरबियत देते थे, सिखाते थे कि वो अपनी मेहनत से पास हों, जी, तस्वर तक नहीं था कि कोई नकल। ऐसा तस्वुर नहीं पाया जाता जी था। लेकिन अब चूंकि हमारे माशरे पे ऐसे लोग मसल्लत किए जा रहे हैं, ऐसी एक दौड़ लग गई है जिसमें आप ये कह लें कि डॉक्टर है तो वो कहता है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ब्यूरोक्रेट है तो पूरी फैमिली ब्यूरोक्रेट बनने की तरफ चली हुई है। उसके लिए उन्हें कम अज़ कम डिग्रियों में नंबर लाजमी चाहिए, और बच्चे इस काबिल नहीं होते कि वो नंबर ले सकें। इसलिए वो अपनी ताकत का, अपने पैसे का, हर चीज़ का इस्तेमाल करके बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसी में हमारे ये जो प्रैक्टिकल हैं, ये उनकी ग्रेडिंग को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करते हैं, अगर उनमें वो पूरे नंबर लग जाए।